अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासन नवाज, आपका अपना चैनल इजी फिजिक्स के साथ। तो पहले मैं वीडियो आपके लिए जो बनाई है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव थी विद द हेल्प ऑफ रिपल टाइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर वेव, जो है उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। आपको मेरी वीडियोज कैसी लग रही है? अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है व्हेन वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एट सम एंगल द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल मे चेंज। कि वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपना पाथ चेंज करती है। रोशनी का इस तरह से पाथ चेंज करना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहां पे हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव पढ़ रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव हमारा जो टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरह ही होता है। इसमें भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो थी उसमें क्या है, यहां पर मैं दिखाता हूं कि एक ग्लास स्लैब मेरे पास है, इसमें जब रे इंटर हुई, यहां से रे जब एयर से ग्लास स्लैब के अंदर आई फिर ग्लास स्लैब से एयर में गई, तो इसकी वजह से इसका पाथ चेंज हुआ। इसको क्या कहते हैं, इसको रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी जब भी एक हमारे पास जो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी रे या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो रे अपना पाथ क्या करेगी, चेंज करेगी। अब इसी चीज को रिपल टैंक के अंदर देखते हैं। तो रिपल टैंक के अंदर हम, आपको पता है कि पानी के सरफेस पे प्लेन वेव पैदा की थी हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में आपने पढ़ा था कि वहां पे हमने जो एक प्लेन ऑब्स्टिकल रखा था वो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सीधा टेढ़ा करके रखा था, तिरछा करके रखा था, प्लेन था लेकिन टेढ़ा करके रखा था। आज जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में हम ग्लास स्लैब जो है, ग्लास स्लैब एक छोटी शीशे की हम कह सकते हैं कि एक मोटी लेयर जो है वो लेके हम यहां पे रिपल टैंक के अंदर एक सर्टेन एंगल के साथ रख देते हैं उसको। जब उस ग्लास, उस एक शीशे की जो मोटी तय होगी उसको जब इसके अंदर हम रखते हैं तो रिपल टैंक में आपको पता है वेव पैदा होती है। तो इसकी वजह से रिपल टैंक के दो पोर्शन बनते हैं। एक पोर्शन कौन सा होगा, एक होगा डीप वाटर, दूसरा होगा शैलो वाटर। यानी एक ज्यादा गहरा होगा और दूसरा कम गहरा होगा। अब आपको पता है कि जब यहां पे हमने कोई ऑब्स्टिकल जो है वो रखी है, तो ऑब्स्टिकल के रखने से, रिपल टैंक के अंदर ऑब्स्टिकल के रखने से ये ज्यादा गहराई वाला हिस्सा है, तो जहां पे ऑब्स्टिकल रखेंगे वो कम गहरा होगा। अब जैसे ही रिपल टैंक को, मतलब इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे तो इसके अंदर वेव पैदा होगी। जब वेव ट्रेवल करेंगी तो इससे उनकी स्पीड पे, उनकी वेवलेंथ पे या उनकी फ्रिक्वेंसी में क्या चेंजिंग आती है ये मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जब रिपल टैंक के अंदर वाइब्रेटर को ऑन कर दिया तो वाइब्रेटर को ऑन करने से रिपल टैंक के अंदर वेव पैदा होना शुरू होगी। जब रिपल टैंक के अंदर वेव पैदा होगी तो जब ऑब्स्टिकल हमने रखी है जब उसके पास जाएगी तो उसमें कौन कौन सी चेंजिंग आने वाली है ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले क्या डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पर जाना है कि इफ अ ब्लॉक इज समर्ज इन द रिपल टैंक, कि अगर एक ब्लॉक को हम रिपल टैंक के अंदर रखते हैं तो आपको पता है एक शैलो वाटर एक डीप वाटर हमारे पास दो पोर्शन बन जाएंगे। तो हियर वी डिस्क्राइब, हम यहां पर बयान क्या करने जा रहे हैं, हम यहां पर बयान करेंगे रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड डेप्थ, के डेप्थ से वेव की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, पहले मैं आपको यह बताऊंगा। दूसरा मैं यह बताऊंगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव, के रिफ्रैक्शन कैसे होती है वाटर वेव में। पहले क्या बताना मैंने, रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड डेप्थ, के गहराई के साथ या गहराई से ज्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में जाते हुए वेव की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव हमने बताना है मैंने आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव का मतलब कि वेव टर्म कैसे लेती है, पाथ कैसे चेंज करती है, तो इसका मैंने बताना है। तो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन वेव एंड स्पीड एंड डेप्थ को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो चेंजिंग आने वाली है, स्पीड चेंज होगी, डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर, स्पीड लेस होगी इन शैलो वाटर देन इन डीप वाटर। शैलो वाटर में
वाटर वेव की स्पीड कम और डीप वाटर में स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी। इसी तरह से वेवलेंथ पे भी फर्क पड़ना है। वेवलेंथ ऑफ द वेव डिक्रीज व्हेन दे इंटर फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, तो इससे डीप टू शैलो वाटर में जाते हुए उसकी वेवलेंथ पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट यहां पर यह है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बोथ पार्ट ऑफ शैलो वाटर के लिए और डीप वाटर के लिए। क्यों? क्योंकि मोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी से मोटर घूमे जा रही है। वाइब्रेटर अपनी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ घूमे जा रहे हैं। तो अब रिपल डैम के अंदर मैं ये सारी चीज बताता हूं, क्योंकि हमें पता है जब इसमें हम एक सर्टेन एंगल पे कोई ब्लॉक जो है शीशे का ग्लास स्लैब रखेंगे तो इसकी वजह से क्या होगी, इसकी वजह से जब वेव यहां से डीप वाटर टू शैलो वाटर जानी है तो इसकी वजह से होगा डीप वाटर टू शैलो वाटर जाते हुए वेव ज्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में जाते हुए तो वेव की स्पीड चेंज होगी, वेव की स्पीड पे फर्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं वी नो दैट कि वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने इक्वेशन के थ्रू वेव इक्वेशन के थ्रू जाना था ये वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो जब स्पीड के बदलने से वेवलेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि यहां वाटर है और यहां पे ग्लास है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए तो वेव का पाथ चेंज होता है और पाथ चेंज होने को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो आपको पता है यहां पे अगर वेवलेंथ डिक्रीज है फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वेव की स्पीड हमारे पास कम आएगी। तो वेव की असल में स्पीड चेंज हुई थी। वेव की स्पीड किस वजह से चेंज हुई? वेव की स्पीड इस वजह से चेंज हुई क्योंकि यहां पे वाटर था और यहां पे हमने ग्लास स्लैब रख दिया। तो ऑब्स्टिकल के रखने से वेव की स्पीड पे फर्क पड़ा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए वेव की स्पीड पे फर्क पड़ा। अब वेव की जब स्पीड पे फर्क पड़ा तो इसके साथ साथ वेवलेंथ भी उसकी डिक्रीज हुई। जब डी वाटर टू शैलो वाटर हम चलते हैं तो वेव की वेवलेंथ डिक्रीज होती है और उसके साथ साथ उसकी सिमत भी चेंज होगी। अब देखें इसी ऑब्स्टिकल का कुछ नमूना मैंने निकाल के बाहर फिगर में दिखा रहा हूं कि देखें पहले क्या था। पहले हमारे पास वेवलेंथ थी ज्यादा, पहले वेवलेंथ हमारे पास ज्यादा, फिर उसके बाद जब डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रहे हैं तो आप यहां पे नजर आ रहा है आपको कि वेवलेंथ उसकी डिक्रीज हो रही है। और ये मैं यहां पर ऊपर भी दिखा रहा हूं, वेवलेंथ पहले ज्यादा है बाद में वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑब्स्टिकल से जब वेव गुजरेगी तो इस वजह से उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी। अब यहां पर रिलेशन में दिखा रहा हूं कि डीप वाटर के अंदर डीप वाटर जो होगा उसके अंदर वेवलेंथ लैम्डा डी मतलब वेवलेंथ डीप वाटर के अंदर वेवलेंथ डी वाटर के अंदर ग्रेटर होगी इंस्टेड वेवलेंथ जो है वो शैलो वाटर की निस्बत। लेकिन अगर हम स्पीड देखें स्पीड जो होगी वो डी वाटर के अंदर ज्यादा होगी और इसी तरह से स्पीड शैलो वाटर के अंदर क्या होगी कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो मीडियम चेंज होने से उस पर डिपेंड करती है वेवलेंथ। तो मीडियम चेंज होता है तो इसीलिए वेवलेंथ उसकी डिक्रीज होती है। जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो इसी वजह से क्या होगा, वेवलेंथ के डिक्रीज होने से स्पीड में फर्क पड़ रहा है। यानी पहले स्पीड असल में स्पीड में तब्दीली आई तो वेवलेंथ में चेंज नहीं आई, वेवलेंथ में चेंज आई तो डेफिनेटली आप रिलेशन में वैल्यू लगाएंगे तो वी डिक्रीज होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी मोटर की जो है वो कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी मोटर की क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है मोटर की फ्रीक्वेंसी है उसने चेंज नहीं होना, उसने वही रहना है। दो चीजें यहां पर चेंज हो रही है, एक स्पीड एक वेवलेंथ, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन करेगी कांस्टेंट रहेगी। ये देखें यहां पे अब वेवलेंथ जैसे वाटर वेव डीप वाटर टू शैलो वाटर जा रही है तो यहां पे परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रा करके देखा तो वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज होती है तो वेव जो है वो नॉर्मल की तरफ झुक रही है। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया नॉर्मल, एक ये मैंने नॉर्मल ड्रा करके आपको दिखा दिया कि वेव की सिमत भी चेंज होती है। वेवलेंथ के डिक्रीज होने के साथ साथ वेव की सिमत जो है वो भी क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो है ये सारा रिलेशन जो है वो सेटअप हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूं जरा कि इसमें सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया व्हेन वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एट सम एंगल, यानी यहां पे एट सम एंगल, एक तो एंगल है यहां पे और दूसरी चीज जो है वो मीडियम है, यानी मीडियम और दूसरा एंगल हमारे पास है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में चेंज, तो इस वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। यानी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है
तो इसकी वजह से क्या होती है, अपना पाथ चेंज करती है। यानी रिफ्रैक्शन के लिए फिर कंडीशन यह है कि वेव अपना पाथ जो है वो चेंज करेगी, रिफ्लेक्शन में वेव अपना पाथ चेंज करेगी। और यहां पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं बराबर आते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में ऐसा नहीं होने वाला। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो कुछ और होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ और होगा। और आई थिंक एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा आपका बड़ा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में बात करूं। और ये हम स्नेल्स लॉ के थ्रू इस चीज को जानेंगे, थर्ड चैप्टर जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स का उसमें हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद यहां पर मैंने दो चीजों को बताया, एक तो रिलेशन बिटवीन द वेव स्पीड एंड डेप्थ, दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव। ये मैंने यहां पर बताया था कि वेव कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मल की तरफ झुकती जा रही है। और फिर उसके बाद मैंने बताया चेंजेस क्या आ रही है, स्पीड में चेंज आई, वेवलेंथ में चेंज आ रही है, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है, मोटर की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसने चेंज नहीं होना। उसके बाद मैंने बताया कि लैम्डा डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम चेंज होता है तो उससे फर्क पड़ता है। इसकी मैंने फिगर्स में भी इस चीज को दिखा दिया कि ऑब्स्टिकल जहां पे है वहां पे वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वहां पे वेवलेंथ डिक्रीज है तो इसका मतलब स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्पीड भी उसकी कम हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी इसके बारे में जरूर कमेंट दें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। और इस वीडियो को देखने से पहले, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव को देखने से पहले, मैं आपको कहूंगा कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को भी देखें ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सको कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में मीडियम पे जब वेव जाकर टकराती है पलट के उसी मीडियम में वापस आती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें पाथ चेंज होता है, इसमें रास्ता चेंज हो जाएगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।